नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो गलती अक्सर आपसे, मुझसे, हम सबसे हो जाती है। कहीं आपसे तो ये गलती नहीं हो रही है? हम किसी के लिए भी किसी को जज कर लेते हैं और उसके लिए अपनी एक सोच बना लेते हैं। एक संत अपने आश्रम से निकलकर सुबह सुबह समुद्र के किनारे पर टहलने के लिए निकले तो उन्होंने क्या देखा? एक आदमी दूर से देखा एक स्त्री की गोद में सर रख कर लेटा हुआ है, उसके बगल में शराब की बोतल रखी हुई है। संत को बहुत गुस्सा आया। संत ने बोला, कितना बेकार आदमी है, सुबह सुबह शराब के नशे में धुत होकर औरत की गोद में लेटा हुआ है, शर्म आनी चाहिए। छी 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 छी, नर्क है, घोर कलयुग है। और संत आगे की तरफ टहलने लगे, मतलब उसी आदमी की तरफ जाने लगे। काफ़ी दूर था वो आदमी। इतने में संत ने देखा कि एक आदमी समुद्र में डूब रहा है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। तो इतने में वो जो आदमी औरत की गोद में लेटा हुआ था वो उठा और उस आदमी को समुद्र में जाकर बचा कर लेकर वापस आया। तो संत ने सोचा, ये आदमी इतना बुरा भी नहीं है जितना बुरा मैं सोच रहा हूँ। संत ने कहा, मैं इसके करीब जाकर इससे पूछता हूँ कि आखिर तुम हो क्या, नशे में धुत हो, औरत की गोद में सुबह सुबह सर रख कर लेटे हुए हो और किसी की जान भी बचाते हो। संत ने बोला, कौन हो भाई तुम? तो उसने बोला, संत जी के पैर छूकर, नमस्कार गुरु जी, मैं कोई नहीं हूँ, मैं तो एक मछुआरा हूँ। मछलियाँ पकड़ने के लिए पिछले एक महीने से समुद्र में था, माँ को पता चला मैं वापस आ रहा हूँ, ये मेरी माँ है, तो शराब की बोतल के अंदर ही पानी भर कर ले आई। समुद्र में सबसे ज़्यादा कमी पानी पीने की होती है ना, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, तो घर का पानी पीना चाह रहा था। घर का पानी पीकर बहुत दिनों से थका हुआ था तो माँ की गोद में सर रख कर लेट गया था। संत को रोना आ गया, संत को शर्म आ गई, उसने उनसे माफ़ी मांगी और अपने जीवन में एक प्रण लिया कि किसी को पूरी तरह से जाने बिना उसको कभी जज नहीं करेंगे और उसके बारे में अपना कोई भी निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि आंखों देखी बातें अक्सर गलत हो सकती हैं। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। जय माता दी। शुभ हो आपका दिन और मंगलमय हो। आज है प्रदोष, तो आज शंकर भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। शंकर भगवान पर एक बेलपत्र अर्पण ज़रूर करें आप।